उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपात ज्ञान का उपदेश। ऋषि ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपने संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशुओं से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वश वर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं। वे ही विषय कहलाते हैं, जीवों को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याण दायी देवादि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे ही महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेन्द्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और काव्य भोजी पितरों के लिए काव्य पहुंचाता है, साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तापसी रोद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और सहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और सहार भी करते हैं। विश्व आत्मा भगवान हर भी तीनों रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का सहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन है और वह सब
वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आहादित करती हैं, साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्त्रोत्र और यज्ञ आदि कालंगन से लेकर शिव पर्यंत भुवन अपने अधिपति असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कलाएं और काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। बोलो हर हर महादेव।